हेलो एवरीवन वेलकम सेशन में टोटल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप लोग इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सको तो सबसे पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है जिसमें लिस्ट वन में दिया गया है ओजोन होल ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल में दिया गया है सुनामी यूवी रेडिएशन एंड इको सेंट्रिज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहां पर इसको देख सकते हैं ओके सो इधर हमें बताना है कि ओजोन होल किस वजह से होता है जो कि लिस्ट टू में अवेलेबल है ओके सो ओजोन होल क्या है ओजोन लेयर में एक होल है एंड इट रेफर्स टू द डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ पोलर रीजन सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें तो ओजोन लेयर एब्सॉर्ब करती है हार्मफुल यूबी रेज जो कि सन की, की वजह से आती है

नेक्स्ट है में 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 आपको पता है है। बहुत बहुत सारी greenhouse gases होती हैं हैं जिससे हमारे के ज़्यादा फर्क पड़ रहा है. Greenhouse gases में कुछ gases हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स सो यहाँ पर मिथेन एक ऑप्शन आप लोग देख सकते हो सो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट वी हैव नेचुरल स्टूडेंट्स भी देख सकते हो प्राकृतिक खतरे नेचुरल क्या होते हैं ये जो भी पर्यावरण में घटनाएं होती हैं, जिसके लिए कोई सोसाइटी कोई ह्यूमन खास करके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उसको नेचुरल हजार्ड बोला जाता है सो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा सुनामी नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टैगलाइन क्या है इसकी टैगलाइन है इकोसेंट्रिज्म यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इको सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू ये इसकी एक टैग लाइन है जो कि आपको याद रखनी ही है इसके अलावा अगर हम बात करें सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों की रिलेटेड टू इको सेंट्रिक रिलेटेड टू इको सेंट्रिजम ओके सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे साथ ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो की अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है एग्जाम से पहले सिर्फ अगर आप ये दो हजार को भी पढ़ लेते हो एंड हमारे क्विक रिविजन वीडियो लेक्चर देख लेते हो जो की यूट्यूब पर ही अवेलेबल है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आपको यहाँ पर अपडेटेड एमसी मिलते हैं करंट अफेयर मिलते हैं जिसमें दो हजार तेईस के करंट अफेयर भी इंक्लूड किए गए हैं शॉर्ट नोट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोलूशन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं जो की हंड्रेड परसेंट आपको पेपर वन में एट्टी फाइव परसेंट से ज्यादा स्कोर करने में मदद करते हैं so, सो को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप लोग आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए

मिथाइल मरकरी ठीक है मिथाइल मरकरी भी अगर लिखा होगा तो भी आपने करेक्ट आंसर इसको फॉलो कर देना है ठीक है मरकरी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम चीसो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री कंटिन्यू टू बी डम्प्ड इन मीना माता बेया टू नाइनटीन सिक्सटी एट ठीक है, so तक मीना माता बे नाम की एक जगह पर जो है ये केमिकल फैक्ट्री का वेस्ट फेंका जाता था जिसकी वजह से ये डिजास्टर जापान में हुआ था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंडिंग ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है वो कहां पर पाया जाता है वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है ओके okay, सो so ये क्या होता है बेसिकली ग्रेट इंडियन इनहेबिट्स ड्राई ऑन द इंडियन सब जो है राजस्थान में ही पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एज वेल एस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर वट सो स्टूडेंट देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है एंड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ जितने भी गोल्स हैं सबका एक सीक्वेंस आपको याद रखना है उसको याद रखने का ट्रिक भी हमने डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो में अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कॉमेंट कर दीजिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी ओके सो so, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसमें पूछा गया है कि पूरे सभी लोगों को अच्छा पानी और सैनिटेशन मिलनी चाहिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता पे उनका ध्यान रखा जाना चाहिए लंबे समय तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से गोल नंबर में ऐड की गई है बात तो ये की गई है गोल नंबर सिक्स में ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ मुझे कमेंट करके हमेशा की तरह बताना है इससे आपकी जरूर होगी। अभी पढ़ के करोगे, तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर गोल नंबर ट्वेल्व एट एंड फोर्टीन कौन कौन से है जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन तो इसको जाना जाता है एन आई डी एम के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहां पर है ये दिल्ली में है इट अंडर गवर्नमेंट डायरेक्टिव टू ट्रेन एंड कंडक्ट पीरियोडिक टू रेगुलेट इफेक्टिव अर्थक्विक एंड डिजास्टर कंट्रोल पॉलिसीज थ्रू आउट दी कंट्री विद सपोर्ट फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट फोर्म एंड एनजीओ सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं अर्थक्वेक होता है या और भी जितने डिजास्टर होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है इसमें ये सरकार ने पॉलिसी बनाई है लेकिन इसमें सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बहुत सारे एनजीओस भी जुड़े हुए हैं एंड इसमें काम कर रहे हैं करेक्ट एंड इसका ऑफिस है दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरिया दैट एक्ट्स एंड एक्ट्स एज एन बाउंड्री और ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स तो दो इकोसिस्टम्स के बीच में दो इको दो परिस्थितिक तंत्रों के बीच में सीमा के रूप में कौन काम करता है सो so, देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दैट इज इकोटोन इकोटोन क्या है एक ये अब्रुट है और ग्रेजुअल बाउंड्री है जो कि दो एडजेंट इकोसिस्टम्स के बीच में बनती है जैसे कि आप मान सकते हो कि दो जंगल है दो जंगल के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको आप इकोटोन बोल सकते हो ओके इकोटोन सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक एरिया होता है जो कि एक बाउंड्री के रूप में काम करता है किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच में इसको एक एग्जांपल ले चल सकते लेकर के चल सकते हैं जैसे नदी चल रही है नदी के दो किनारों के बीच में जो गैप आ जाता है जो बाउंड्री आ जाती है वो इकोटोन कहलाती है Next question is The Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, Government of India has launched a program of developing a nodal solar city in 2009. Which one is not the correct objective under this scheme? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक पर आप कोई सेपरेट सेशन चाहते हो तो भी जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हो मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट पर उस सेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी सो so, यहां पर देखो एक स्कीम की बात की गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था मॉडल मौ, सोलर सिटी इन 2009 के अंदर ठीक है so, सो इसके रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं सो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ओके सो एमएनआरई की अगर बात करें तो ये एक 11th 5 ईयर प्लान है जिसमें कि 60 सोलर सिटीज उन्होंने बनाई हुई है मिनिस्ट्री इसमें फंड करती है वन सिटी को एक स्टेट के पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ओके सो इस तरह से यहाँ पर काम होता है जो इसमें जो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है एंड एनर्जी एफिशिएंसी है उसके जो एफर्ट्स है उसको 10% हर एक सिटी के अंडर यूज करने का टारगेट यहां पर बनाया गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो so, इतने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो भी खतरे होते हैं जैसे कि विस्फोट होते हैं या उनसे जो गंदा पानी निकलता है गंदा धुआं निकलता है वो सारी चीजें हमारे वातावरण को खराब करती हैं ओके okay, सो so वो किस कैटेगरी के अंदर आती है ये पूछा गया है सो so ये आती है मैन मेड क्राइसिस यानी कि मानव निर्मित संकट के अंदर अब देखो कहीं पर भी अगर केमिकल फैल रही है बीमारी हो रही है जैसे कि कोरोना वायरस की बात करें वो भी मैन मेड क्राइसिस के अंदर ही आता है ठीक है हजार मेटीरियल जैसे कि कोई मेडिसिन बन रही है कोई स्प्रे बन रही है कोई कीटनाशक बन रहा है लेकिन उसने ह्यूमन को बहुत नुकसान पहुंचाया तो वो सब मैन मेड क्राइसिस के अंदर आते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने सुना होगा ट्रेन एक्सीडेंट प्लेन क्रैशेस, ग्राउंड वाटर में जो गंदगी फैल रही है लोगों की वजह से वो सब इसके अंदर आते हैं। water, water ठीक है प्योर वॉटर के कम्पेरिजन में उबलता हुआ पानी इम्प्योर वॉटर माना जाता है क्यों उसके इंक्रीज की वजह से बॉइलिंग वॉटर ऑफ इम्प्योर बॉइलिंग पॉइंट सॉरी दिस इज बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है है जो होता इनप्योर वाटर का वो इंक्रीज होता जाता है अगर हम उसको शुद्ध जल के हिसाब से कंपेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर बिलोंग्स टू व्हाट सो ये देखो ये हमने जो आ, पीपल डेवलपमेंट एनवॉमेंट का वन आवर वाला सेशन लिया था ना स्टूडेंट्स उसमें डिटेल में डिस्कस किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर देखिए मेरे नाम से अंकिता सूद के नाम से एक प्ले है वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है so, सो ये सब आते हैं एटमोस्फेयर के अंदर एटमोस्फेयर लेयर के अंदर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर ये सब चीजें आती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यूज पेपर टू स्टडी मटेरियल की बात करते हैं सो so, एग्जाम में कम समय है स्मार्ट स्टडी आपको करनी है इसके लिए ये स्टडी मटेरियल आपको फुल सिलेबस पेपर टू की रिपीटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो 100 में आते हैं। ये एमसीक्यूज आपको इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा सो so आपके सामने जो भी सब्जेक्ट की लिस्ट है इसमें से अपना पेपर टू देखिए एंड स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप की मदद से आप इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज जिसको लगातार लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ साउंड इज इन एक्सेस टू तो नॉइस पॉल्यूशन कब माना जाता है जब उसकी रेंज किससे ज्यादा बढ़ जाती है 80 से 99 डीबी से ज्यादा उसकी रेंज अगर बढ़ जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी रेंज 70 से 75 होती है ठीक है उसके बाद पचपन से सिक्सटी फाइव तक होती है कॉमर्शियल एरिया है, इंडोर लिमिट्स होती है, 30 से कम. ये लिस्ट ओ के द्वारा दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी सो ओजोन होल्स क्या होते हैं ये पोल्स होते हैं इनको पोल्स बोला जाता है ठीक है इट रेफर्स टू अ रीजन

नेक्स्ट मैक्सिमम ओजोन फॉलोइंग बीनोइंग सबसे किसने बताया ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 1980 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के रिपोर्ट में ओजोन डिप्लीशन देखी थी एंड उसी के बाद उन्होंने ये फाइनलाइज किया था कि साउथ पोल में सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होती है और आगे भी होने के चांसेस हैं। यानी कि भूकंप को मेजर करने के लिए range क्या हो सकती है, वो हो सकती सकती है? है वो से लेकर तक। प्रिस्क्राइब फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया इज सो दिन के समय जो आवासीय क्षेत्र होते हैं इंडिया में उसमें नॉइज की रेंज कितनी तक अलाउड है वो है

कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर आती है जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसमें से कौन सी नहीं है सो so, कौन सी नहीं है ऑक्सीजन नहीं है इसमें वाटर वेपर आता है जो कि एक नेचुरल कैटेगरी में आता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ऑक्सीजन इसमें नहीं आती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी इको की स्टडी की अगर बात करें तो क्या उसकी बेसिक यूनिट है तो इकोलॉजी क्या होता है इसमें बायोटिक कॉम्पोनेंट होते हैं दैट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वातावरण टेम्परेचर रेनफॉल यानी कि बारिश होना तूफान चलना मिट्टी छोटे छोटे मिनरल्स ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम के अंदर आती हैं एंड जहां पर छोटी छोटी चीजें रहती है मिट्टी में भी आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े रहते हैं हवा में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो सब इको के अंदर आते हैं यानी कि इकोलॉजी के अंदर आते हैं इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल

ठीक है सो लोग जो पीपल कंट्रोल मेजर्स करते हैं जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में चेक करने में उनको मदद करते हो तो आप लोगों को बता दूं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है इसका मतलब है पर्यावरण क्षरण ओके तो हवा पानी मिट्टी जैसे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसकी कमी के माध्यम से पर्यावरण में जो गिरावट आ जाती है उसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला जाता है एंड ये जो गिरावट उसमें आती है उससे बहुत सारे वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं बहुत से पेड़ पौधे इस वातावरण से खत्म हो रहे हैं इसका कारण क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रादर कॉम्प्लेक्स यानी कि जो पॉल्यूशन हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है एनवायरमेंटल में यानी कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहे हैं पॉल्यूशन फैल रहे हैं इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल बेसिक चीजें होती है स्टूडेंट्स बस आपको ये जो छोटी छोटी सी टर्म्स आती है ना उनका मतलब पता होगा तो यू कैन वेरी इजिली सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिन इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड तो प्राकृतिक खतरा इनमें से कौन सा नहीं है सो करेक्ट आंसर है केमिकल कंटामिनेशन। देखो जंगल में आग लगना नेचुरल है बिजली चमकना नेचुरल है लैंडस्लाइड होना भूस्खलन होना भी नेचुरल है केमिकल केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए लैब में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है चलो उसको भी छोड़ो बहुत इजी बताती हूँ फूड को सेव करने के लिए जैसे कि हम लोग कुछ स्प्रे बनाते हैं ताकि उस फूड में कीड़े ना लगे ठीक है एंड लोग क्या करते हैं वो फ्रूट्स को वो फूड को खा लेते हैं विदाउट वॉशिंग देम सो वो वो केमिकल्स हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं जानबूझकर किसी ने नहीं बनाए वो तो लोगों को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो गया ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इमिशन लीडिंग टू द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन एज अ पॉल्यूशन सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है विच ऑफ दॉल्यूटेंट्स एक्ट अफेक्ट द रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इन सो हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको सबसे ज्यादा कौन सा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है तो वो है सल्फर सल्फर गंगा एक्शन प्लान यानी कि जी ए पी वॉज इनिशियटेड ड्यूरिंग द ईयर गंगा एक्शन प्लान कब इनिशियट किया गया था नाइनटीन एटी सिक्स में ठीक है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा में जो पॉल्यूशन है अभी तक जो पॉल्यूशन हुआ है उसको कैसे साफ किया जाए एंड आगे आने वाले समय में पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए असेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ दी पोर्टेबल चेंजेस इन वॉट सो एनवाटल इंपैक्ट असेसमेंट को ई आई ए के नाम से जाना जाता है इस इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस

तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 फाइव क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक like जरूर कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताते रहिए ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करती रहूं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट